दोस्तों अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि माया की शोक सभा जारी है। हालांकि इस बीच वनराज अनुपमा से कहेगा कि चाहे जो हो जाए इस बार उसे अपने सपनों को पूरा करना है। चाहे कुछ भी हो अनुपमा को इस बार अमेरिका जाना ही होगा। इस पर अनुपमा भी कहेगी जिंदगी बहुत परीक्षा लेती है और ये तो सबसे कठिन है। अपने पति और बेटी को इस हालत में छोड़कर जाना मुश्किल है, लेकिन मैं अमेरिका जरूर जाऊंगी। वनराज और अनुपमा के बीच ये सारी बातें अनुज भी सुन लेता है। वहीं दोस्तों थोड़ी देर के बाद अनुज डर कर चिल्लाते हुए अनुपमा के पास आएगा और कहेगा कि छोटी के कमरे का दरवाज़ा बंद है। काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी वो नहीं खुल रहा है। इससे सब और परेशान हो जाएंगे और छोटी अनु के कमरे के पास जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वनराज और अनुज मिलकर दरवाज़ा तोड़ देंगे। हालांकि छोटी अंदर माया की तस्वीरों के साथ होती हुई दिखेगी और नींद में अनुपमा को माया समझकर माफ़ी मांगेगी और उस पर प्यार लौटाएगी। लेकिन दोस्तों जब नींद खुलेगी तो माया को ना देखकर माया से मिलने की वो जिद करेगी। इसी बीच गुरु माँ और नकुल भी कपाड़िया हाउस पहुँचेंगे। गुरु माँ का तो कहना है कि अनुपमा को अमेरिका जाना ही होगा। वहीं दूसरी ओर अनुज छोटी अनु पर चिल्ला पड़ता है और फिर उसे समझाने लगता है। इसके बाद अनुपमा भी छोटी को गले लगा लेती है और समझाने की कोशिश करेगी। वहीं ये सब चीज़ें गुरु माँ और नकुल भी देख लेते हैं। इसके बाद गुरु माँ अनुपमा से कहेगी कि परसों हमें जाना है। इस पर वनराज कहेगा कि अनुपमा पहुँच जाएगी और इसके बाद अनुपमा भी यही कहेगी। आपको बता दें फिर गुरु माँ और नकुल वहाँ से चले जाते हैं। गुरुकुल में आकर गुरु माँ और नकुल बातें करेंगे। इस दौरान गुरु माँ को इस बात की भी चिंता होगी कि कहीं अनुपमा ने अमेरिका जाने से मना कर दिया तो। इस पर नकुल कहेगा ऐसा नहीं होगा। इस पर गुरु माँ कहेगी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिस अनुपमा ने मेरे शिव का नटराज रूप देखा है वो फिर मेरा रौद्र रूप देखेगी। वहीं कपाड़िया हाउस में हर कोई छोटी अनु को खाना खिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो माया की याद आने की बात कहेगी। इस पर अनुपमा भी भावुक हो जाएगी। अनुपमा और अनुज माया के एक्सीडेंट पर बात करेंगे। अनुज कहेगा ये एक हादसा था जो हो गया। तुम अगर सबको ये बताओगी कि तुम्हें बचाने के लिए माया की जान चली गई तो क्या ये बात छोटी समझेगी? लोग सवाल पूछेंगे और तुम्हारा गिल्ट बढ़ेगा। माया का तुम्हें बचाना उसकी च्वाइस थी। इसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरे दिल पर भी बोझ है, लेकिन इतना ज़्यादा मत सोचो। तुम सिर्फ अपने सपने पर फोकस करो। फिर अनुपमा कहेगी कि अगर हम गलत नहीं हैं तो किसी को बताने में क्या हर्ज है। इस पर अनुज उसे अपनी कसम दे देगा। हालांकि ये सब बरखा भी सुन लेगी। यानी कि आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ ट्विस्ट और ड्रामा देखने को मिलने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।